आज मैं बीए पाठ पढ़ के प्रथम प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत संरक्षण प्रोटेक्शन के बारे में व्याख्यान देने जा रहा हूँ। प्रोटेक्शन
तो इस प्रकार से प्रोटेक्शन से संबंधित हमने विभिन्न प्रकार की नीतियों को देखा। अब हम इसमें बात कर सकते हैं कि प्रोटेक्शन संरक्षण से कौन से लाभ हैं और कौन सी हानियां हैं। तो हम इसके अंतर्गत लाभ के अंतर्गत जो है आर्थिक तर्क दिए गए हैं। सबसे पहले है शिशु उद्योग का। शिशु उद्योग का अर्थ ये है कि जिन उद्योगों ने अभी देश के अंतर्गत अपनी गतिविधि को शुरुआत की है, छोटे उद्योग हैं, बालक के समान हैं, और वो बड़े लेवल के ऊपर पहले से स्थापित उद्योगों या विदेशी उद्योगों से वो प्रतियोगिता नहीं कर पाते हैं, इसलिए सरकार क्या करती है उन उद्योगों को विशेष प्रकार की छूट सहायता या अनुदान देती है, जिससे कि उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है और वो कुछ समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन करने के लायक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देश के अंतर्गत शिशु उद्योग बच जाते हैं और उद्योगों का हमारे विस्तार होता है और उत्पादन का भी और रोजगार का भी विस्तार होता है। इसी तरीके से उद्योगों में विविधता का तर्क दिया जाता है कि संरक्षण के कारण देश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित होते हैं और देश की जो देश एक प्रकार से आत्मनिर्भर बनता है। उद्योगों में जब विविधता आएगी तो उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा और हमारे देश के अंतर्गत जो विभिन्न साधन है उनका भी सक्षम प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से विविधता देश के राष्ट्रीय आय बढ़ाने और रोजगार वृद्धि करने में, निवेश में वृद्धि करने में, वस्तुओं का उपयोग होने में इस प्रकार से ये लाभप्रद है। तो ये तर्क दिया जाता है। रोजगार वृद्धि का भी तर्क दिया जाता है कि संरक्षण के कारण घरेलू उद्योगों को एक प्रकार से जो है सहायता मिलती है, उनको एक सुरक्षा का वातावरण मिलता है। जो कंपटीशन है विदेशी जो प्रतियोगिता उससे भी उनको संरक्षण मिलता है, जिसके कारण रोजगार में वृद्धि होती है। आय का तर्क भी दिया जाता है, जब रोजगार में वृद्धि होगी उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो आय भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से इसी के साथ जो है आधारभूत उद्योग का तर्क भी दिया जाता है कि संरक्षण के कारण देश आत्मनिर्भर बनता है और देश के अंतर्गत ही हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उद्योग को स्थापित करने में जो है उनका उपयोग किया जाता है, उद्योगों में लिया जाता है उनका उपयोग, और इस प्रकार से हमारा उत्पादन बढ़ता है, विविध उद्योग बढ़ते हैं हमारे। और आधारभूत जो उद्योग जैसे भारत में नेहरू जी ने सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें बड़े बड़े लौह अयस्क शुरुआत के उद्योग धंधों की शुरुआत की गई, स्थापित की गई। इस प्रकार से जो बेसिक जो उद्योग है इंडस्ट्री है वो किसी भी देश के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं और संसद के कारण ही उनका विकास होता है। इसी तरीके से राशि पतन विरोधी तर्क दिया जाता है जिसको हम डंपिंग बोलते हैं। डंपिंग के अंतर्गत एक देश जो है वो दूसरे देश में कम प्राइस में जो है वो अपनी वस्तुएं बेचता है और उसके कारण उस देश के आयात करने वाले देश के जो उद्योग धंधे हैं उस वस्तु को उत्पादन करने के लिए जो लगे होते हैं वो उससे कंपटीशन नहीं कर पाते हैं और उनका विनाश हो जाता है। विनाश होते ही वह दूसरा देश जो निर्यात करने वाला देश है वो कीमतों को बढ़ा देता है और कीमतें बढ़ाने के कारण जो है एक प्रकार से उपभोक्ताओं को हानि होती है। और तो इस तरीके से तो डंपिंग के विरुद्ध तर्क दिए जाते हैं कि संरक्षण की नीति यदि हम अपनाते हैं तो कोई देश की डंपिंग की नीति नहीं अपना सकता है। भुगतान शेष का तर्क, आज विश्व में हर देश भुगतान शेष को अपने अनुकूल करना चाहता है, अर्थात निर्यातों को बढ़ाना चाहता है और आयात को कम करना चाहता है, आत्मनिर्भर करना चाहता है। तो इस प्रकार से संरक्षण होगा तो ज्यादा आयात नहीं होंगे और भुगतान शेष है वो भी अनुकूल होगा। व्यापार शर्तों की तर्क, व्यापार शर्तों की तरफ टर्म्स ऑफ ट्रेड जिसको हम कहते हैं कि तर्क दिया जाता है कि वो भी संरक्षण के कारण जो है आयातों की प्राइसेस बढ़ेगी और एक प्रकार से वो हमारे पक्ष में होगा जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड। इस प्रकार से ये आर्थिक तर्क दिए गए। फिर गैर आर्थिक तर्क दिए गए सुरक्षा की दृष्टि से कि कोई भी देश जब विदेशों पर निर्भर हो जाता है तो संकट काल की स्थिति में उसकी आत्मनिर्भरता बढ़
जाने के कारण क्या प्रस्तुति होती है उसे, उस संकट काल में जो है वो उसको मिलेगी नहीं मिलेगी, ये इसके कारण जो है सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भी हर देश को अपने उद्योगों को जो है वो स्थापित करना चाहिए, उनका विस्तार करना चाहिए। तो सुरक्षा के लिए भी संरक्षण जो है वो आवश्यक है। देशभक्ति का तर्क जिन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना है और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं उसके अनुसार भी संरक्षण से जो है वो देशी जो उद्योग धंधों का विस्तार होने के कारण एक प्रकार से देशभक्ति राष्ट्रीयता की भावना भी उसमें काम आती है। आत्मनिर्भरता का तर्क इस संरक्षण के कारण घरेलू उद्योगों का ज्यादा विस्तार होगा और देश आत्मनिर्भर बनता है। इसी तरीके से तर्क दिया जाता है कि विशिष्ट वर्ग अथवा व्यवसायों की सुरक्षा का तर्क, फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं विशिष्ट वर्ग किसान गरीब व्यक्ति है और वह गरीब व्यक्ति जो है उसके जो उत्पाद है उस पर उस लगती है लागत लगती है, यदि उन उत्पादों को कृषिगत जो है अनाज या जो भी चीजें हैं चाय कॉफी उनको यदि हम बाहर से खरीद लेते हैं सस्ते खरीद लेते हैं हमारे जो किसान उस देश के किसान उनके प्राइस बहुत उस उत्पाद की कम हो जाती है, लागत से भी कम हो जाती है और वो सफर करते हैं, इसलिए प्रोटेक्शन जरूरी है। बदले की भावना का तर्क और इसके अंतर्गत जो है कि संरक्षण के कारण एक देश दूसरे देश से कोई डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी अपनाता है तो वो दूसरा देश के प्रोटेक्शन के कारण जो है वो बदले की भावना ले सकता है, वो भी अपने टैरिफ लगा सकता है, इम्पोर्ट कोटा लगा सकता है। तो इस प्रकार से जो है ये उसके केवल प्रोडक्शन जो है उसमें किस तरीके से क्या लाभ है इनके हमने तर्क देखे। अब इसके विपक्ष में तर्क है जब कंपटीशन सबसे बड़ी बात है प्रोडक्शन के कारण कंपटीशन जो है वो नहीं रहता, प्रतियोगिता नहीं रहती, तो घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत तो जो अयोग्य और अकुशल उद्योगों को बढ़ावा उनका माल भी घटिया होता है, उनके पास टेक्नोलॉजी होती नहीं है, प्राइसेज भी ऊंची लेते हैं वो, इस तरीके से अयोग्य और अकुशल उद्योगों को इसके अंतर्गत बढ़ावा मिलता है। संरक्षण को हटाना कठिन हो जाता है जब किसी प्रकार के उद्योगों को सरकार एक बार संरक्षण दे देती है तो बार बार माफ करते हैं और राजनीतिक रूप से भी प्रेशर के कारण उनको संरक्षण हटाना काफी मुश्किल हो जाता है, सरकार को लॉस होता है, उपभोक्ताओं को भी हानि होती है, उपभोक्ता अपने मनपसंद वस्तुओं का उपभोग नहीं कर पाते हैं, ऊंची कीमतों पर वस्तुएं खरीदते हैं जिससे उनकी क्रय शक्ति प्रतिदिन पावर कम हो जाती है, वस्तुओं की मात्रा कम हो जाती है और एक प्रकार से जो घरेलू उद्योग है वो घटिया माल बना करके ऊंची कीमतों पर देते हैं उपभोक्ताओं को और इस प्रकार से उनको लॉस होता है। विदेशी व्यापार का संकुचन जब प्रोटेक्शन होता है तो एक देश को देख करके बदले की भावना से दूसरे देश की प्रोटेक्शन की नीति अपनाते हैं और इस तरीके से विश्व में प्रोटेक्शन की नीति जो है उजागर हो जाती है और उसके कारण विभिन्न देशों के बीच होना वाला जो व्यापार है वो संकुचित हो जाता है और जिसके कारण वस्तुओं की मात्रा की जो अवेलेबिलिटी है उपलब्धता है वो भी कम हो जाती है और एक प्रकार से लॉस ही होता है। विशिष्टीकरण के विरुद्ध है ये सिद्धांत, जैसा कि एडम स्मिथ ने कहा था कि फ्री ट्रेड रहता है तो स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, श्रम विभाजन होता है और विशिष्टता के कारण जो है कम कॉस्ट में अधिक उत्पादन होता है, तो ये चीज हट जाती है, कंपटीशन नहीं रहता है, स्पेशलाइजेशन रहता है और घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्राप्त होने के कारण भी किसी प्रकार का कोई एक प्रकार से सोच नहीं होता है, चिंता नहीं होती है और वो एक प्रकार से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं करते हैं और विशिष्टीकरण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से उद्योगों में स्थिरता आती है, किसी प्रकार का कोई इंसेंटिव नहीं होता है, बेसिकली कोई कंपटीशन नहीं होता है तो जो है स्थिरता आ जाती है। धन का असमान वितरण होता है, जब प्रोटेक्शन होता है तो उद्योगपति जो बड़ी बड़ी फर्में हैं उनको संरक्षण प्राप्त हो उनको सरकार सहायता देती है, उत्पादन से जो भी लाभ होता है उन लोगों के पास जाता है और एक प्रकार से जो गरीब लोगों के पास जो है आय का सही ढंग से वितरण नहीं हो पाता है, आय का असमान वितरण हो जाता है। इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय मनमुटाव भी होता है, जब एक देश प्रोटेक्शन लगा देता है तो दूसरे देश में भी बदले की भावना आती है तो उनके आपसी संबंध जो है खराब हो जाते हैं।
इसी तरीके से राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है, संरक्षण की नीति से जैसे भी भ्रष्टाचार के उपाय अपना करके लेन देन के माध्यम से उद्योगपति अपने विशेष आर्थिक सहायता या छूट ले लेते हैं और इस प्रकार से संरक्षण के कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार पैदा होता है, एकाधिकार समूह की स्थापना हो जाती है, मोनोपोलिस बढ़ जाते हैं इसके अंतर्गत, क्योंकि बार का या कंपटीशन का उन्हें कोई डर होता नहीं है और घरेलू क्षेत्र ही सब कुछ होता है, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार न होने के कारण या कम होने के कारण मोनोपोलिस जो है वो अपने एकाधिकार स्थापित कर लेता है और जिसके कारण वो डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी अपनाता है, कीमत वृद्धि बाजार का रूप हो जाता है और ऊंची कीमतें वसूल की जाती हैं। इसी तरीके से सरकारी आय में भी कमी हो जाती है, टैक्सन होने के कारण आयात कम हो जाते हैं और आयात शुल्क जो है आयात कम होने से या आयात नहीं होने से आयात शुल्क की जो आमदनी है वो भी घट जाती है और इसी तरीके से देश के साधनों का भी सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है, तो इस तरीके से दुरुपयोग होता है। इस तरीके से ये संरक्षण जो की जो नीति है उसके विपक्ष में। धन्यवाद।